हम सबको आपने गौरवान्वित किया है, समस्त क्षेत्र को गौरवान्वित किया है और निश्चित रूप से आपको देखकर आने वाले समय में हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो बहुत अच्छा करने वाली है और आपसे प्रेरणा लेने वाली है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला प्रणाम, नमस्कार। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ स्कूल से घर, टाइम हो रहा है कुछ 2:00 और मैं अभी फिर से रेनकोट पहन लिया है, आज था रेड अलर्ट। तो स्कूल से जस्ट अभी आ रही हूँ, बच्चों की तो छुट्टी हो गई थी, नित्या काशी की भी हमेशा संडे को छुट्टी रहती है। तो मैं अभी जा रही हूँ पेंट की शॉप में, थोड़ा हमारी POP में कलर करना था, वो लेके आना है। और ये डोर में भी फ्रोजी कलर, डोर में कलर हो गया सारा। अभी दिखाऊंगी मैं आपको वापस ही आके कि क्या क्या काम हो रहा है आज। और टाइल्स वाले भैया लोग आज नहीं आए हैं क्योंकि आज बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा तेज, तो अभी मेरा हमारा पेंट कम पड़ गया था उसके लिए POP में हो रहा है कलर, तो उसका कलर नहीं आया था तो वो लेके आ रही हूँ। और नींद भी आ रही मेरी, आज तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, कल से ही थोड़ा वीकनेस सी हो रही है, मतलब चक्कर से आ रहे हैं। तो अभी घर आके फिर थोड़े सोऊंगी, आज टाइल्स वाले भैया लोग भी नहीं आए। और ठंडा भी इतना हो रहा है, मैंने आज गर्म कपड़े पहने हैं अंदर से इसके, अब ये तो रेनकोट पहना है। और आज ठंडा भी बहुत हो रहा है, स्कूल में भी बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, स्वेटर भी नहीं पहन के ले गई थी। तो अभी मैं जा रही हूँ पेंट की शॉप में और फिर आके दिखाती हूँ आपको कि घर में आज क्या क्या काम हुआ थोड़ी देर बाद। अभी मैं आ गई हूँ पेंट लेके घर और मैं दिखाती हूँ आज आपको कि आज हमारे घर में क्या क्या हो रहा है। डोर हमारी हो गई हैं, चमक गई हैं, ये देखिए। और भैया ने आज POP भी चमका दी है। और इस मैडम की हो रही है तबीयत खराब और हाफ कपड़ों में घूम रही है, वो उठा अपना रबड़। ब्लैक कलर है वो, ब्राउन है, चॉकलेट कलर यहाँ पे लगा दिया है। और गोल्डन ठीक लग रहा है ना, ब्लैक कलर। यहाँ पे नित्या काशी की चल रही है स्टडी। आजकल नित्या काशी की स्टडी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है ना, घर में काम की वजह से इनकी पढ़ाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है आजकल। करो करो बोल के लिखूं, ओ गंदी बात। आज ठंडा बहुत हो गया है, मेरे पैर में ठंडा हो रहा है, पांव में ठंडा हो रहा है, तूने ऊपर रखे हैं। चलो करो, एक तो तुझे बुखार भी है ना तो इसलिए लग रही होगी। बोल के लिखो, आपने फ्राइडे की स्पेलिंग कैसे लिखी है देखो, ये देखो फ्राइडे सही करो, हैं अच्छे से कर, इरेज करो F4 इसको। तो गाइज अभी नित्या काशी कर रहे हैं पढ़ाई, बाकी आज दिन भर बहुत तेज बारिश थी और आज हमारे टाइल्स वाले भैया लोग भी नहीं आए टाइल्स लगाने के लिए। तो अभी और पेंटिंग का भी कुछ वर्क अभी अंदर का कंप्लीट हो गया है, अभी नीचे का हिस्सा बचा है जो रेंट पे हमारे, और जो शॉप्स हैं आगे उनमें भी लगाना है। और बाहर का हिस्सा शॉप्स का एरिया है जो, उसमें तो सिर्फ बाहर बाहर से कलर होगा, मैं दिखाऊंगी आपको। और घर के बाहर का हिस्सा भी बचा हुआ है, तो आज भैया लोगों ने सब ये सारी अंदर की विंडोज़ वगैरह कंप्लीट कर दी हैं। अभी जो जाली है इस पर फ्रोजी कलर लगना है, ये बची हैं और विंडोज़ हो चुकी है, बाकी कलर हमारे रूम का कलर कुछ ये है। मैंने बोला था आपको मैं बाद में दिखाऊंगी, बट दिखा देती हूँ अभी थोड़ा बहुत, फिर एक साथ आपको पूरे घर का होम टूर कराऊंगी। और आज हमारा तो आप देख सकते हैं ब्लैंकेट भी निकल गया है क्योंकि इतना ठंडा हो रहा है आज बहुत ज़्यादा। और मैंने आज वुलन का सूट भी पहना हुआ है, बच्चों को भी गर्म कपड़े पहनाए हुए हैं क्योंकि इनकी तो तबीयत भी खराब है। तो अभी कर्टेंस वगैरह धोने हैं, बहुत ज़्यादा काम है, कल को संडे है, देखते हैं कल को धूप आती है तो कर्टेंस वगैरह धोने हैं। और मतलब इतना वर्क हो रहा है आजकल घर पे, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो अभी हमारा लिविंग रूम भी थोड़ा बहुत रेडी हो चुका है, लिविंग रूम में मैं आपको दिखाती हूँ, अभी POP में कलर हो गया है, POP का कलर देखती हूँ अभी, दिखाती हूँ आपको अभी क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने एक कॉम्बो बनाया है POP में, समझ में नहीं आती क्या कराएं, और खाली वाइट भी अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा सुना सुना सा लग रहा था रूम, तो उसमें मैंने एक कॉम्बो बनाया है, लेकिन कॉम्बो अभी पूरा नहीं हुआ है, जितना हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ। तो गोल्डन और पर्पल का मैंने कॉम्बो बनवाया है,
वही लेने गई थी मैं स्कूल से आके, वो था बट कम पड़ रहा था तो इसलिए वो लेके आई। मैं अभी दिखाती हूँ आपकी लिविंग रूम का, मैंने ये करवा रखा है कॉम्बो। एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये कल को पूरा हो जाएगा फिर दिखाऊंगी गोल्डन और पर्पल का, क्योंकि पर्पल कलर करवा रखा है इस रूम में, तो उसका कॉम्बो बनवा रखा है गोल्डन और पर्पल का। इसमें भी यही कॉम्बो बनेगा, इसमें गोल्डन करवाऊंगी और इसमें पर्पल, इसकी सिर्फ पट्टियों में। गाइस कमेंट करके बताइए कि आपको ये कॉम्बो कैसा लगा। अभी जो यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ये वाली चीज़ है जो ये लगेगी सारे फ्लावर्स में, ये बस ट्राई करने के लिए अभी लगवा रहा था मैंने भैया से, क्योंकि इसमें थोड़ा हल्का कलर आ रहा था बट ये अभी डार्क हो गया है, तो इस सब में और ये अंदर के दो जो हैं इसमें लगेगा ये पर्पल वाला, बाकी सब में भी यही सेम होगा और जो ये कॉर्नर्स हैं इसमें भी। तो गाइस कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी पीओपी का कॉम्बो कैसा लगा। कल पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। आज हमारा नल से पानी दो तीन दिन हो गए हैं, आ नहीं रहा है। हमारे यहाँ एक न्यू प्लम्बर आए हुए हैं हमारे हिरदा, इसमें पानी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। प्लम्बर भैया है रामलीला में बिजी, तो हमने नए प्लम्बर मंगाए हैं, बुलवाए हैं पहाड़ से हीरा सिंह गैड़ा। संपर्क करें, आपके घर में अगर कोई नल वल खराब है, नल की टोटियां खराब है, पानी नहीं आ रहा है, तो हिरदा अपनी गाड़ी की बस के पेचू से इसको खोलते हैं, देख सकते हैं आप। ये है हमारे हिरदा प्लम्बर। ये सब चीज है गाड़ी के मालिक साहब, प्लम्बर। और भी कोई काम करते हैं बता सकते हैं आप। और ये हमारे लिए लौकी लेके आए हैं, देख सकते हैं, जो लौकी पता नहीं कटेगी भी या नहीं कटेगी। ऐसी लौकी क्या है ये लौकी, मुझे लग नहीं रही है, मतलब ये लौकी को देख के ही डर लग रहा है, ये लौकी को देख के ही डर लग रहा है कि ये छिलमगी कैसे में। इससे अच्छा ऐसी ककड़ियां ले आते हैं, ये ककड़ी भी लाए थे, एक ककड़ी हमने खा ली, एक ककड़ी और लाए हैं, छोटू पैकेट बड़ा धमाका है ना काशी, ककड़ियां नहीं है ना, लग गया ना उतना झील में काटो पूरे में तार पे, एक कितना लग एक ककड़ी नहीं, तू दे यार पेचकस, इस साल बड़ी नहीं बनाई हमने, पेचकस तो परी था वो, हां 96 में, हां रिटायरमेंट आने के बाद ये हमारी खरीदी थी मैंने। अच्छा, तो आज मकान में रंग का काम कर ये करूंगा, तो आज पूरा चारों तरफ रंगवा दिया है। हां सही है, तो आज नया बन गया, आज ये अलमीरा भी कलर करवा दी है, ये दिख सकते हैं ग्रीन कलर की थी अलमीरा पुराने टाइम की, एक ये है मम्मी लोग की अलमीरा, बाकी डाइनिंग टेबल हमने यहाँ पे खोल के रखा है, उसमें कपड़े इतने सारे टंगे हुए हैं तो जगह नहीं हो रही बिल्कुल रूम में। और ये है अलमीरा जो 26 साल पुरानी अलमीरा है, इसमें कलर करवाया भैया लोगों से आज, तो और पापा भी लेटे हुए हैं, पापा की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है आजकल, पापा के घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं यूरिक एसिड की वजह से, दवा भी चल रही है उनकी। क्या नहीं लगा रहे हैं? वो रामलीला मूवी तो देख रही हो आप, क्या देखती हो? रामलीला, रामलीला देखनी है पापा से, अभी दिखाता हूँ राम और रावण तेरे को आता, जब तू कार्टून बोलेगी ना तब राम, अभी छोड़ नया वाली पिक्चर अच्छी चल रही है, मत कर यार नित्या, नित्या मत कर भाई प्लीज। तो गाइस इस व्लॉग में मैं कुछ फोटोज ऐड कर रही हूँ जो मेरी सिस्टर की हैं, उसे कल वो लोग पहाड़ गए हुए थे, मतलब हमारे गांव, मेरा मायका है रामगढ़ से आगे नथवा खान देवद्वार पड़ता है पोस्ट ऑफिस, तो वहाँ पे थी नवरात्रियाँ तो वहाँ गई थी, तो हमारे भीमताल विधानसभा के एमएलए मिस्टर राम सिंह केड़ा जी ने उसे सम्मानित किया नीट की एग्ज़ाम निकालने की खुशी में, तो मैं उसकी कुछ क्लिप्स मतलब कुछ फ़ोटोज़ इसमें ऐड करूँगी, बहुत ही प्राउड मोमेंट था हमारी फैमिली के लिए ये, तो उसे सम्मानित किया गया, अभी 15 को और सम्मानित करेंगे वो लोग विधानसभा भीमताल में, तो वो मैं इसमें फ़ोटोज़ ऐड करती हूँ, आप भी देखिए, और सोच रही हूँ इस ब्लॉग को कर देती हूँ एंड, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय। जैसे ही विधायक जी को पता चला कि एक बेटी भी उस गांव में है जिसने सीपीएमटी की परीक्षा निकाली है, तो विधायक जी ने कहा कि हम उन्हें सम्मानित करेंगे, और बार बार यहां से भी मुझे केसरदा और अन्य लोगों के यहां से परिवारों से फोन आ रहे थे, तो आज हमारा यह शुभ अवसर पर और यह सौभाग्य है कि हम अपनी बेटी को भी सम्मानित करेंगे, और पुनः मैं आप सबको बधाई देता हूँ और आपका धन्यवाद कहता हूँ, और विशेषकर
हम जिन्होंने जिस माँ ने और जिस पिता ने इस बिटिया को इतनी अच्छी शिक्षा दी है और इस गांव में रहकर आपने देवदार स्कूल से पढ़ाई प्रारंभ कर और आपने CPMT की परीक्षा बिना किसी बड़ी कोचिंग के आपने बहुत आसानी से निकाली है, इसके लिए हम समस्त मैं गौरवान्वित होता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संयोजक भी हूँ और हमारी बेटी को देखकर निश्चित रूप से इस गांव से लेकर पूरे रामगढ़ में अन्य बेटी आपसे प्रेरणा लेगी। हम अपनी जो बेटी, हम सबकी बेटी और आज जिसने CPMT की परीक्षा निकाली है, इससे आने वाली पीढ़ियों तक प्रेरणा मिलने वाली है, क्योंकि रामगढ़ के लिए बड़ा गौरव का विषय है। मेरे जब से मैं आर्मी से रिटायर आया हूँ, ये हमारे रामगढ़ से दूसरी बेटी है जिसने CPMT की परीक्षा निकाली है, लेकिन यह सौभाग्य की बात है कि रामगढ़ में रहकर और रामगढ़ में पल बढ़कर अगर किसी ने CPMT की परीक्षा निकाली है तो हमारी पूजा ने की है। तो मैं आपको सम्मानित भी करेंगे और हम सबको आपने गौरवान्वित किया है, समस्त क्षेत्र को गौरवान्वित किया है और निश्चित रूप से आपको देखकर आने वाले समय में हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो बहुत अच्छा करने वाली है और आपसे प्रेरणा लेने वाली है। और आपसे निवेदन भी है कि जिस प्रकार से आपने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है, आप अन्य बच्चियों को और अन्य हमारे बेटों को भी आप मार्गदर्शन देने का काम करेंगी और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और समस्त इस गांव में रहकर आपने देवदार स्कूल से पढ़ाई प्रारंभ कर और आपने CPMT की परीक्षा बिना किसी बड़ी कोचिंग के आपने बहुत आसानी से निकाली है, इसके लिए हम समस्त मैं गौरवान्वित होता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संयोजक भी हूँ और हमारी बेटी को देखकर निश्चित रूप से इस गांव से लेकर पूरे रामगढ़ में अन्य बेटी आपसे प्रेरणा लेगी। हम अपनी जो बेटी, हम सबकी बेटी और आज जिसने CPMT की परीक्षा निकाली है, इससे आने वाली पीढ़ियों तक प्रेरणा मिलने वाली है, क्योंकि रामगढ़ के लिए बड़ा गौरव का विषय है। मेरे जब से मैं आर्मी से रिटायर आया हूँ, ये हमारे रामगढ़ से दूसरी बेटी है जिसने CPMT की परीक्षा निकाली है, लेकिन यह सौभाग्य की बात है कि रामगढ़ में रहकर और रामगढ़ में पल बढ़कर अगर किसी ने CPMT की परीक्षा निकाली है तो हमारी पूजा ने की है। तो मैं आपको सम्मानित भी करेंगे और हम सबको आपने गौरवान्वित किया है, समस्त क्षेत्र को गौरवान्वित किया है और निश्चित रूप से आपको देखकर आने वाले समय में हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो बहुत अच्छा करने वाली है और आपसे प्रेरणा लेने वाली है। और आपसे निवेदन भी है कि जिस प्रकार से आपने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है, आप अन्य बच्चियों को और अन्य हमारे बेटों को भी आप मार्गदर्शन देने का काम करेंगी और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और समस्त भाजपा का अपनी बेटी पूजा नेगी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं प्रयास करूंगा 15 तारीख को आरोही में एक कार्यक्रम हमने रखा है जहाँ पर एक प्रतीक चिन्ह से आपको हम अपने पूरे ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित करेंगे। और आज मैंने कहा मेरी बेटी का गांव है और भगवान के मंदिर में पूजा भी हो रही है और भगवान के भी दर्शन कर लेंगे और बेटी से भी भेंट कर लेंगे।